आनंद एंड भावना हैव फ्यू 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स ईच. द टोटल अमाउंट विथ ईच ऑफ देम इज RS 5. द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ टू ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ द कॉइन्स दैट आनंद हैज आर इक्वल एंड सेम इज द केस फॉर द कॉइन्स दैट भावना हैज. इफ द आनंद हैज द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स then find maximum possible total number of coins that Bhavna can have given that she has fewer coins than Anand. Question में ये given है कि Bhavna के पास जो coins है वो less than है Anand के, और इन दोनों के पास जो total sum है, जो total value है coins का, वो 5 rupees का. Question बहुत ही आसान है. सबसे पहले मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, जब भी aptitude के question को solve कर दो, आप जो information given है उसको note down करो, लिखो उसको कि क्या given है. आनंद के पास 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे का कॉइन्स है, और ये गिवन है कि इनमें से कोई भी दो कॉइन का जो नंबर है वो आपस में इक्वल है. तो हो सकता है इन दोनों का इक्वल हो सकता है इन दोनों का इक्वल हो, लेकिन एक कंडीशन गिवन है कि आनंद के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स है, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना है. तो एक छोटा सा लॉजिक लगाओ, अगर टोटल 5 रुपीज का सम है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो कोशिश आप क्या करो कि जितना ज्यादा से ज्यादा 25 पैसे का कॉइन हो और जितना कम से कम क्वांटिटी हो किसका, 100 पैसे का कॉइन्स का. तो 100 पैसे के कॉइन्स को कम से कम आप कितना रख सकते हो, कम से कम तो 1 रुपया ले लो, 1 सिक्का ले लो, तो ये 1 रुपीज हो गया. अगर दो कॉइन्स का नंबर इक्वल था तो आप ये मान लो कि 50 पैसे का भी कॉइन्स कितना है, 1 ही है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 1.5 रुपीस के. तो बाकी जो 3.5 रुपीस का कॉइंस है वो किसके इक्वल होगा, 25 पैसे के. तो 25 पैसे के लिए टोटल कॉइंस यहां पे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 14. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइंस आनंद के पास कितना होगा, वो हो जाएगा 1, 2 और 14. दैट इंप्लाई आनंद के पास 16 कॉइंस है. अब आ जाओ भावना पे. क्वेश्चन में गिवन था शुरू में कि भावना के पास जो कॉइन्स है वो आनंद से कम है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि ये जो भावना के पास कॉइन्स है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए. तो इसके पास भी 100 पैसे का कॉइन्स है, 50 पैसे का कॉइन्स है और 25 पैसे का कॉइन्स है. और यहाँ पे भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल है कि कोई भी दो कॉइन्स का नंबर क्या होगा, इक्वल होगा. तो यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स है तो इसको मैक्सिमाइज करना है, लेकिन साथ में जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो आनंद से कम भी होना चाहिए. तो आप क्या करो, जो 50 पैसे का कॉइन्स है और जो 100 पैसे का कॉइन्स है उसको एक एक करके इंक्रीज कर दो. ये सबसे लोएस्ट केस तो यही हो सकता है. तो मान लो 100 पैसे का 2 कॉइन्स है, 50 पैसे का भी 2 कॉइन्स है, तो टोटल इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये 2 रुपीज RS 2 और यहां से ये RS 1 हो जाएगा. तो टोटल 3 रुपीज तो आपने कंज्यूम कर लिया, तो बचा कितना, वो बचा बच्चों आपके पास 2 रुपीज. तो भावना के पास जो 2 रुपीज है उसके टोटल 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे, वो टोटल हो जाएंगे 8. तो भावना के पास अब टोटल कॉइन्स कितना है, 100 के 2, 50 के 2, तो 4 और 25 का 8. तो टोटल कॉइन्स जो भावना के पास होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 12. ये मैक्सिमम कॉइन्स भावना के पास हो सकता है गिवन द कंडीशन दैट कि जो भावना के पास कॉइंस है वो आनंद से कम है. सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. सिंपल सा लॉजिक है, आप लॉजिकली सोचोगे तो इजीली सॉल्व कर लोगे. एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन.